Hey everyone, जय श्री कृष्णा. वेलकम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. होप यू गाइज आर गुड. मैं भी एकदम बढ़िया हूँ. तो आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ एक नई कुकिंग वीडियो फिर से. वैसे मेरा ये ब्लॉगिंग चैनल है, मैं मतलब अपनी डेली रूटीन कुछ भी डाल देती हूँ, बट अभी जो है मेरी चल रही है कुकिंग सीरीज. तो जो जो मैं बनाती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. तो आज मेरे मतलब पतिदेव का जो मूड है ना, वो है चिकन बिरयानी खाने का. काफ़ी टाइम से मुझसे कह रहे थे और मैं उन्हें इग्नोर कर रही थी, क्योंकि यार बहुत तामझाम लगता है ना इन चीज़ों को बनाने में, टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं. तो बच्चे के साथ पॉसिबल नहीं हो पाता. एनीवे तो आज मैंने उनकी डिमांड पूरी करने की सोच रही हूँ. तो मैं कैसे चिकन बिरयानी बनाती हूँ आप लोगों से शेयर कर रही हूँ. तो चलो चलते हैं कुकिंग के और काफ़ी. बिरयानी के लिए मैंने लिया है ये 1 kg चिकन. तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अभी मैं इस पर डालूंगी 1 चम्मच जितना नमक. और इस पर अब हम लोग मसाले ऐड करेंगे इस पर, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं. तो हल्दी डाल ली हूँ मैं 1 चम्मच जितनी, और ये है धनिया पाउडर, ये भी 1 चम्मच. ये आप थोड़ा बढ़ा के डाल सकती हो, तो मैं एक और आधा डाल ली हूँ. और अब डाल ली हूँ मैं नॉर्मल रेड चिली पाउडर, जो कि सबके पास रहता है. और अब डाल ली हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कलर बहुत ही अच्छा आता है और फ्लेवर भी इन्हेंस करता है. तो ये डाल दिया. अब मैं डाली हूँ पिसा हुआ जीरा, जो भुना हुआ होता है, तो ये घर का ही है. तो ये मैं 1 चम्मच डालूँगी. और अब हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा लेमन. थोड़ा सा क्या, एक पूरा लेमन डालना है. मेरे पास छोटा लेमन है, आप लोग चाहे तो बड़ा भी डाल सकते हैं, बट एक लेमन आपको इस पर डालना है. ये सारी प्रोसेस ना इसकी मैगनेशन के लिए हो रही है, कि इसको मैगनेट करके हमें रखना है 1 घंटे अप्रॉक्स. अगर आप चाहे तो उसे टाइम भी बना सकते हैं, बट मेरे पास अभी टाइम है तो मैं रख रही हूँ. और अब हम इस पर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट अराउंड, बड़े बड़े चम्मच है तो आप 3 भी डाल सकते हैं, और छोटे चम्मच है तो 4 डाल सकते हैं. तो मेरे बड़ा चम्मच है तो मैं 3 ही डाल ली हूँ. और अब हम इस पर डालेंगे, ये है ग्रीन चिली. तो मैंने 3 बड़ी बड़ी मिर्चियों को हाथ से कूट के ऐसा कर रखा है, और इसमें ऐड करना है हमको अब. और अब हम इस पर डालेंगे ये है हरा धनिया और पुदीना पत्ता. तो दोनों मैंने एक अलग अलग करके काट के एक ही साथ मिक्स एक ही कटोरी पे डाला है, तो ये समझ जाएंगे आप. तो दोनों इसमें दिखे, देखो पुदीना दिख रहा है, पुदीना और हरा धनिया दोनों है. तो ये भी हम इस पर ऐड कर लेंगे, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है. गाइस मेरे पास है घर का बिरयानी मसाला, मैंने इस बॉक्स पे डाला है. अगर आपको इसके लिंक चाहिए होगा इस मसाले का, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और अगर आप लोग के पास घर का नहीं है, तो आप मार्केट का भी किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं. तो ये मेरे पास घर का है, मैंने अपने खुद से बनाया है. तो मैं अराउंड 1 बड़ा चम्मच जितना इस पर ऐड कर दूंगी. और अब लास्ट में हम डालेंगे दही. तो दही ये मेरी है 3 बड़े चम्मच है, मान लो 200 ग्राम. तो ये दही हमें इस पर ऐड करनी है. सो बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से, ताकि चिकन के अंदर सारा मसाला जा सके. ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, और कितना सुंदर कलर आ रहा है. तो अब मैं इसको फ्रिज के अंदर छोड़ दूंगी 1 घंटे तक के लिए. अगर आप लोग उसी टाइम बनाना चाहते हैं, तो आप लोग ना उसी टाइम भी बना सकते हैं. ऐसा कुछ नहीं है कि 1 घंटा या आधा घंटा हम लोग को छोड़ना है. आप लोग उस टाइम भी बना सकते हैं, बट मेरे पास आज टाइम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं रख लेती हूँ 1 घंटे तक रख लेती हूँ. नहीं तो मैं अदरवाइज मैं क्या करती हूँ, कभी मुझे इमरजेंसी पे जल्दी जल्दी बनाना होता है, तो मैं ऐसे ही इसको स्टार्ट कर लेती हूँ. ठीक है, तो लेकिन जो उसको रखने से क्या होता है ना, इस पर अच्छे से फ्लेवर ना चिकन के अंदर घुस जाता है. तो यही है बस, और कुछ नहीं है. तो अभी की आगे की कुकिंग मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, जब तक मैं प्याज व्याज कट कर लेती हूँ. तो मैंने यहाँ पे प्याज को भी कट कर लिया है. प्याज कट करना तो पता ही होगा, लंबे लंबे करने हैं ऐसे, देखो, और इनको ऐसे तोड़ना है. तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 बड़े वाले प्याज, 2 बड़े से प्याज का इतना और है. और यहाँ पे मेरी कढ़ाई भी, मतलब
तेल भी गर्म हो चुका है कढ़ाई में, तो मैं इसको अब फ्राई करूँगी। गरम गरम तेल पे डालना है इसे अपने प्याज, और फुल आंच पे ही पकाना है इसको, और इसको तब तक पकाना है जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए, मतलब एक फ्राई होता है ना कुरकुरे टाइप के ना हो जाए, डार्क ब्राउन, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। इसको शायद ब्रिस्टा भी बोलते हैं। सो गाइस, यहाँ पे देखो मेरे प्याज एक बैच फ्राई हो चुका है और एक बैच हो रहा है, तो ये जो मेरा फ्राई हो गया है ना, इसको मैं थोड़ा सा अपने चिकन जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो मैके भी हो चुका है, एक घंटा अप्रोक्स हो चुका है इसको, तो उसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा प्याज। तो इसको भी हमें इस पर अच्छे से मिक्स कर लेना है एक बार हाथों से। तो गाइस, नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपको एक बड़ा सा वेसल लेना है जो कि काफ़ी मोटा हो, और मैंने इस पर ऑयल डाल दिया है, जो बचा हुआ फ्राई करके ऑयल था प्याज का वही ऑयल इस पर डाल दिया है। अब हमें मेरा जो गैस है वो फुल आँच है, तो अब हमें अपने चिकन को इस पर ऐड करना है। तो मैंने चिकन को अच्छे से ऑयल के साथ मिक्स कर दिया है, और अब हमें इसे ढक के पकाना है, 95% तक हमें इसे पकाना है जैसे हम लोग नॉर्मल चिकन पकाते हैं वैसे ही। तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक और बर्तन ले लिया है, पतीला, जिसमें मैंने पानी रख दिया है, और पानी खौलता हुआ पानी है, देखो जब चिकन बन रहा था उसी टाइम मैंने पानी रख दिया था। तो यहाँ पे मैं एक एक करके सब कुछ ऐड करते रहूँगी। तो सबसे पहले हमें डाला है तेज़पत्ता, और ये कुछ खड़े मसाले हैं जिसपे है दालचीनी, चक्रफूल, इलायची, लौंग और काली मिर्च, तो हमें सब ऐड करना है इस पानी पे, और थोड़ा सा शाही जीरा भी ऐड करना है। फिर इस पे हम डालेंगे नमक, नमक आपको ज़्यादा डालना है क्योंकि हमें इसमें चावल पकाने हैं और बिरयानी के हिसाब से, तो मैंने 2 चम्मच जितना नमक डाला है। बस इसको 2 मिनट तक बॉईल होने देते हैं, फिर इसमें हम चावल ऐड कर लेंगे, और हमें इस पर डालना है 1/2 लेमन, और लेमन को ना आपको जो लेमन का छिकल है ये भी इसमें डालना है, इससे ना चावल में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और फ्लेवर आएगा, बाद में हम इसे निकाल लेंगे। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें चावल ऐड करती हूँ। तो चावल को मैंने अच्छे से वॉश करके अप्रॉक्स 1 घंटे तक भिगो के रखा था, और मैं ये नॉर्मल चावल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग बासमती चावल यूज़ करना, मेरे पास अभी नहीं था तो, और मेरे हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं था लाने का, तो मैं ये नॉर्मल यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हमें इस पर ऐड करना है, तो इन चावलों को हमें पकाना है, वो भी 80% ही पकाना है क्योंकि 20% हम जब दम लगाएंगे तब पक जाएंगे, और ये ऑलरेडी भीगे हुए चावल हैं तो उस वजह से। यहाँ पे मेरे चावल भी बन चुके हैं, हो चुके हैं 90%, तो मैं इसको अब निकाल दूंगी एक ट्रे पे। तो मेरे पास ट्रे नहीं है, अब आप लोग सोचोगे कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है बोलते रहती हो, तो एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो मेरे पास इतना सामान यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट मेरे घर पे सब कुछ है मेरे पास। तो यहाँ पे जो नेसेसरी आइटम है मैंने वो ही रखे हैं, तो मैं अभी निकाल रही हूँ एक प्लेट पे, एक बड़ी प्लेट है उस पर निकाल रही हूँ। तो इसको अच्छे से आपको निकालना है और फैलाना है, तो इसको एटलीस्ट 5-10 मिनट तक ना रेस्ट छोड़ना है, फिर लगाएंगे हम इस पर दम। तो अब गाइज, अब टाइम आता है हमें इसको कोटिंग देनी है, लेयरिंग करनी है इसकी चावल की। तो ये मेरा चिकन है, तो उसके ऊपर सबसे पहले मैं चिकन को अच्छे से सेट करती हूँ, जिन्हें मतलब। तो गाइस, यहाँ पे मेरा ये चिकन आपका, इसको एक बार हिला लेना अच्छे से, और बराबर इसको बराबर कर लेना कि हम लेयरिंग देने में इजी पड़े। तो सबसे पहले हम इस पर डालेंगे हमारा जो प्याज हमने बचाया था वो, उसकी लेयरिंग दे रहे हैं। इसके बाद ये धनिया और पुदीना मैंने मिक्स कर रखा है, अब मैं डालूंगी होममेड गरम मसाला, सॉरी गरम मसाला बोल रही हूँ मैं, ये बिरयानी मसाला, तो उसको हमें कम डालना है क्योंकि हमने ऑलरेडी चिकन पे पहले डाल दिया है, मतलब तो 1 चम्मच अराउंड डालना। अब हम इस पर करेंगे चावल को ऐड, तो आपको चावल को धीरे धीरे अच्छे से
ऐड करना है। और इसी टाइम पे जो खड़े मसाले आप लोग को पसंद नहीं है, यहाँ पे करना नहीं है शुरू, खड़े मसाले जो आपको पसंद नहीं है वो आप लोग रिमूव कर देना, जैसे कि ये मुंह पे लगते हैं तो अच्छे नहीं लगते। और नींबू जो हमने डाला था वो सब मैं हटा रही हूँ और हम सब डाल देंगे इस पे। तो यहाँ पे मैंने अपने चावल को भी ऐड कर लिया है, इसको अच्छे से चला लेना। और अब इसके जो बचा हुआ प्याज है वो डाल देंगे, करते भी डूबड़ी करते हैं, तो बचा हुआ जो प्याज है वो डाल देंगे इस पे हम। और जो धनिया पुदीना और धनिया थोड़ा बचा था वो भी ऐड करना है, ये हमारी लास्ट कोडिंग है। और इसी पे लास्ट पे हमें चीज डालनी है घी, घी से इसी पे लास्ट में हमें एक चीज डालनी है घी, घी से काफी अच्छा फ्लेवर टेस्ट आता है। तो मैंने मेल्ट किया हुआ घी डाल ली हूँ, तो अराउंड 2 चम्मच जितना तो आप इस पे ऐड कर लेना। अब बिरयानी खा रहे हैं तो यार थोड़ा सा तो चीप चलेगा ही। और ये है मेरा रेड जो फ्लेवर होता है, क्या बोलते हैं कलर है, फूड कलर, फूड कलर येलो वाला है ये, रेड बोल रही हूँ, तो इसको भी ऐसे ऐसे डाल लेंगे। ये मैंने पानी में थोड़े से पानी में इतना सा डाला था फूड कलर, ये मैंने इसको वीडियो बनाई नहीं है। और ये है मेरा रेड वाला, तो इसको भी ऐसे ऐसे करके हमें डालना है। और इसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी का पाउडर, बस हमें इतनी ही चीज़ डालनी है। अब मैं इस पर लगाऊंगी दम। अब पारी आती है इसमें दम लगाने की, तो दम लगाने के लिए मैंने ना ये फॉइल पेपर लिया है। आप लोग चाहे तो आटे की लोई से भी लगा सकते हैं या मखमल का जो कपड़ा होता है उसे गीला करके फिर फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास अभी आटा वाटा कुछ बनाया हुआ था गुदा हुआ नहीं है, तो मैं इसी से लगा रही हूँ, इससे भी अच्छे से दम लग जाता है। तो इसको अच्छी से कर लेना पहले, इसके ऊपर बंद, और इसके ऊपर एक प्लेट रखना है, और इसके ऊपर एक भारी सी चीज रखनी है आपको, तो मैं रख रही हूँ ये भारी से भारी कोई है क्या, पानी भर के रख देते हैं इसमें, ये भारी सा वैसा, तो मैंने जो चावल लगा था उसी को इस पे पानी डाल के तो भारी करने के लिए इसके ऊपर चढ़ा दिया है। और अब हमें गैस के फ्लेम को मीडियम करना है, मीडियम में हमें इसे 20 मिनट्स दम लगाएंगे, 20 मिनट 15-20 मिनट तो एटलीस्ट दम लगाना, उसके बाद आप लोग को रिजल्ट दिखाऊंगी। यहाँ पे हो चुके हैं 20 मिनट, आप लोग चाहो तो 10 मिनट रेस्ट छोड़ सकते हो, बट मुझे ना थोड़ा सा जल्दी है तो उस वजह से मैं निकाल रही हूँ, नहीं तो 10 मिनट को ऐसे भी छोड़ देना। वाह उसकी बस खुशबू आ रही ना, तो अब इसको करेंगे हम मिक्स। तो ये देखिए मेरी बिरयानी कितने अच्छी से, इतना सुंदर कलर और खुशबू, तो क्या ही बताऊँ, लाजवाब खुशबू आ रही है। तो बस हमारी बिरयानी हो चुकी है खाने के लिए रेडी, रेडी टू ईट। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और अपने फैमिली वालों का दिल छू जाइए जो नॉन वेजिटेरियन है। इजी है, बहुत जल्दी बन जाती है यार, कोई टाइम नहीं लगता है। तो उसको अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे करना, चावल टूट जाएंगे। तो बस मेरी बिरयानी, और मैंने थोड़ा सा प्लेटिंग की है ताकि अच्छी लगे। तो ये देखो कितना अच्छा कलर आया, और साथ में है रायता, तो ये प्लेन रायता है आपका प्याज और खीरा वाला, बस नमक और थोड़ा जीरा भुना हुआ। तो हम करते हैं इंजॉय, और मेरे तो मुँह में पानी भी आ रहा है, आई नो आप लोग के भी आ रहा है, तो आप लोग भी बनाइए और खाइए। यहीं पर करती हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, होप तो आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करना अगर कोई चीज़ अगर आप लोग को जाननी होगी। तो इसके साथ बनाया मैंने रायता और ग्रीन चटनी, तो अब हम लोग इंजॉय करते हैं अपनी डिनर को, आप लोग भी इंजॉय करिए बना के और सबको हैप्पी करिए। बाय।